I felt like I, of course, I was exhausted and I couldn't get myself, you know, to have a supportive man. And Yes. most men should not put pressure on their wife. I feel it could all end, you know. So I have a very strong sense of could descend at any moment. So I'm really not that comfortable. Kareena Kapoor Khan ne Saif Ali Khan ko lekar ke ek aisa shocking statement diya tha jiske baad se unki divorce ki khabrein kafi zyada samne aayi aur uske baad ab kaha ja raha hai ki unke isi statement ki wajah se Saif Ali Khan Kareena se divorce lene wale hain. Dekhiye pichle kai dino se khabrein aa rahi hain ki Kareena aur Saif ka divorce hone wala hai kyunki Kareena ka behavior jo hai wo bilkul rude hai aur wo सैफ अली खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से सैफ अली खान ने पक्का मन बना लिया है कि वो करीना से डिवोर्स लेंगे। अब आपको बता देते हैं कि करीना ने आखिर शॉकिंग स्टेटमेंट क्या दिया था। देखिए, करीना कपूर खान ने ये कहा था कि वो सैफ अली खान के बच्चों को अपने बच्चे की तरह नहीं मान सकती हैं। जी हाँ, एक बार सैफ अली खान ने करीना से कहा था कि सारा अली खान को और इब्राहिम अली खान को भी उन्हें अपने बच्चे जैसा ही मानना होगा, लेकिन करीना खान ने इससे साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं उनकी मां नहीं बन सकती हूं, उनकी एक ही मम्मी है और वो है अमृता सिंह और मैं उनकी मम्मी कभी नहीं बन सकती। ऐसे में सैफ अली खान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बीच में दूरियां आ गईं। और तो और, अब जिस तरीके से सैफ अली खान ने करीना के नाम का जो टैटू बनवा रखा था उसे रिमूव करवा दिया है, उसके बाद से मामला और गर्मा गया है और बताया जा रहा है कि दोनों अलग होने वाले हैं, डिवोर्स लेने वाले हैं। हालांकि ये सारी रिपोर्ट्स वाली थ्योरीज हैं, देखना रहेगा कि आने वाले दिनों में इस पर करीना और सैफ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वेल, आप बताइए इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है।